वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। तो ये है अमित और रितु की शादी का पार्ट टू, जो कि बहुत डिले हो गया है, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो जिसे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो घुड़चड़ी है वो खत्म हो चुकी है, और अभी जो घुड़चड़ी होने के बाद जो रस्में होती हैं वो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जब तक, जैसे जो इन्होंने सेहरा पहना हुआ है भाई ने, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक चावल मारने होते हैं, और मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा आगे जाने का। पीछे से भाभी कह रही कि जाओ जाओ दीदी, जल्दी जाओ आगे, और लोग मुझे स्पेस दे ही नहीं रहे हैं कि मैं जाऊं। और जब तक ये नहीं उतरता तब तक आपको मारते रहना होता था। मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे जो रस्म होती है वो क्या होती है कि एक तो ये जो पग होता है, पग क्या, ये जो सहरा बोलते हैं, पगड़ी है जो, इसको उतारा जाता है, और इसको जीजा उतारते हैं, और साथ में जो लेडीज होती हैं वो कुछ पैसे देती हैं शगन के तौर पे दूल्हे को। तो वो सारी रस्में अभी होनी है। तो ये जो आंटी आप देख रहे हो ये नानी ही है, लेकिन ये बिल्कुल फोटो में आना है इनको, तो ये यहीं पे खड़ी हुई है। इनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो अपना उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। तो एक आध होता है ना ऐसा ही बंदा सबकी शादियों में, ऐसा कोई ना कोई होता है जिसको होता है कि ये सारे फोटोज में वो आए। तो ये वही नानी है। तो पहले ये मुझे इधर आने ही नहीं दे रही थी, फिर आकर के यहाँ पर खड़ी हो गई थी, और अब उधर जा करके, तो चलो कोई नहीं, अब बाकी जो भी लेडीज आएंगी वो सारी ऐसे जो हरियाणा होता है ना उसमें जवारी बोलते हैं, जवारी करते हैं, तो बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मतलब ये एक वो होता है कि आप ऐसे वार के दूल्हे के उस पर, और फिर उसको दिया जाता है शगन के तौर पे, पैसे दिए जाते हैं। तो अभी वही रस्म होने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है लेडीज का गाना, तो डीजे का यहाँ लगवा दिया गया है, और ऑलरेडी टाइम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 12:30 बजे का आसपास टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे भाभी और मौसी हैं, वो डांस कर रही हैं। तो गाने मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि गाने तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा,
बट यहाँ पे जो बबू मान का है वो सॉन्ग चल रहा था यहाँ पे लंदन से व्यापारी, और ये है भाई, भाभी डांस कर रही है तो भाई को तो फिर आना ही था तो यहाँ पे ये लोग हैं, और यहाँ पे आप मुझे भी ढूंढ सकते हो, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा डांस को, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड प्लीज डोंट जज, मुझे डांस नहीं आता, मुझे नहीं पता हाथ पैर कैसे उठाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बट हाँ भाई के शादी की खुशी थी तो थोड़ा सा हाथ वाथ हमने भी मार लिए थे, जैसे भी हुआ वैसे ही। तो यहाँ पे सब ये मौसियां हैं, भाभी हैं, वो सब है, और ये मौसी मतलब जो भाभी के साथ डांस करती है वो मेरी ही एज की है, एज ए फ्रेंड है, और मौसी मौसी तो हम बोलते ही नहीं, नाम से ही बोलते हैं, तो बस हमने भी थोड़ा सा कर लिया था, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिपिंग, दो रात को 1:30 हो गए थे अराउंड, और फिर नाना जी ने गुस्सा किया और सब भागे, सबने हम लोग ने लगवाया था वो गाना तेरी आँखा का काजल, और जैसे ही मतलब डांस स्टार्ट हुआ तभी नाना जी का गुस्सा आ गया, और वो आए जैसे नाना जी आए हमने फटाफट से जो डीजे वाला था उसको बोला भाई भाग जाओ तो नहीं तो तेरी शामत आने वाली है, तो उधर से जो आप देख रहे हो ना उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो जहाँ चेयर्स वगैरह डली है, उधर से नाना जी आए, उससे पहले हम लोगों ने उसको भगा दिया वो तो भाई ने उनको पहले ही पकड़ लिया था, और यहाँ पे लोगों का गुस्सा मतलब जो नाना जी वगैरह उनका गुस्सा ऐसा ही होता है कि जो डांस कर रहे थे किसी की चप्पल कहीं है, किसी की जर्सी कहीं पे पड़ी हुई है, कहीं कुछ, और डीजे वाला भाग गए और हम सब चुपचाप भाग के अंदर आ गए नहीं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सब पे डांट पड़ती, तो लेकिन बहुत मजा आया था उस चीज को, जैसे मतलब लोगों की एक्शन स्टार्ट हुए ना आंखों के पास हाथ गए आंखों का काजल तभी झगड़ा स्टार्ट हो, मतलब नाराज का जो गुस्सा है वो स्टार्ट हो गया था, बट बहुत अच्छा लगा, काफी मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा था, आप लोग होते तो मतलब बहुत ही मजा आता था, जैसे आप सोच रहे हैं डीजे वाला खड़ा है उधर से कोई गुस्सा करते हुए आ रहा है, और जैसे हम लोगों ने देखा हम भाग 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 डीजे वाले को भाग जा तू काफी अच्छा सीन था वो। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को घर दिखा दिया, एक्चुअली में जो गांव में होते हैं कितने बड़े बड़े घर होते हैं ना, ये कि ये तो बाहर का खुला हुआ है, तो दोनों ही ये तीनों घर मतलब नाना के ही है, मतलब जो नाना के भाई हैं वो है दोनों तरफ साइड में, और ये है अंदर से, ये कुर्ते पजामे में है मेरे बड़े मामा जी, चेयर खाट पे जो चारपाई पे जो बैठी हुई है वो नानी है, और ये बाकी सारे छोटे मोटे बच्चे हैं सबके, उधर चेयर पे बैठी हुई है, कहाँ जा रहे हो बताओ, सॉरी दीदी के बहू को लेने, बोलो सारे बहू अब बोलो दीदी, बोलो दीदी तुम मम्मी हमारे मेहंदी लगा के रखना गोली सजा के रखना वो तो हम लेके जाएंगे ना भाई सजवा के
और ये है दुल्हन का घर। यस हम आ चुके हैं बारात में, तो मैं और सिर्फ पिंकी ही आए थे लेडीज में, क्योंकि बारात बहुत छोटी गई थी, तो यहाँ पे मैंने बच्चों से ही शूट करवाया था, बच्चे शूट कर रहे हैं इसको। और प्लीज डोंट माइंड हमारे, हम नहा धो करके आए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहा के नहीं आए थे। बस रेडी हम यहाँ हुए हैं सोनीपत आकर के, और ये बैठे हुए हैं सामने मैं, पिंकी और रितु, और हमारे बच्चे हैं साथ में। तो हम रितु के घर पर आ चुके हैं, जहाँ आप लोगों ने देखा अभी फेरे वगैरह वहीं होनी है, और ये सब लोग रितु की साइड से है। तो हमने यहाँ पर भी नहीं बताया था, हमने रितु को मना कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, बताना किसी को। हमने यही बोला था कि उनको सबको बोल देना, मम्मी वगैरह को, कि हम तुम्हारे एज अ फ्रेंड आए हैं, क्योंकि यार फिर थोड़ा सा ना वो लगता है कि कोई नहीं गया, खर्चा वर्चा होता है, तो थोड़ा सा उसको लेकर के हम नहीं चाहते थे कि कुछ मान वान दे या ऐसा कुछ हो, तो वो सब चीज़ें। और इसके ऊपर जो मुझे ज्वेलरी पहननी थी मेरी साड़ी के ऊपर, वो सारी ज्वेलरी मेरी गुम हो चुकी थी, तो मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं थी इस टाइम पे पहनने के लिए। जब मैं जाने लगी तब मैंने देखा कि वो ज्वेलरी तो मेरे पास है ही नहीं, तो जो इयररिंग्स मेरे पास रखे हुए थे फिर मैंने वही पहन लिया। अदरवाइज मैंने मैरून कलर की मतलब कॉन्ट्रास्ट में इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी ली थी, बट अब कुछ भी नहीं था। और आप देख रहे हो परी एंजॉय कर रही है अपनी आइसक्रीम को, साथ में उसने मेरी जो चूड़ियां हैं वो पहनी हुई है, तो बाकी तो ज्वेलरी थी ही नहीं, जो चूड़ियां पहनी थी वो भी परी ने मेरी ले ली। तो सिर्फ इयररिंग्स बच गए थे मेरे पास। तो और जो साड़ी है मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे पेट पूजा हो रही है। देखो मैंने तो कुछ खाया नहीं है, बस जो खा रहे हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो मजाक कर रही हूँ, हम खा चुके हैं, और भाभी को हम पकड़ा दिया था क्योंकि मैं शूट कर रही थी, तो इसलिए मैंने भाभी को थाली दे दी थी अपनी, और बहुत ही टेस्टी है खाना बना हुआ था, तो थैंक यू सो मच। और खाना सच में लाजवाब था। तो रितु तुम्हारे घर का जो खाना था ना बारात में, जो खाना मेरा बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी था। तो बस यहाँ पे ये कोको बैठा हुआ है और हम खाने को एंजॉय कर रहे हैं। बारात आ चुकी है, तो अभी पिंकी वही कह रही थी सब लोग आप ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे मेरा तो पता था कि मैं जाऊंगी बारात में, क्योंकि मैं दोनों साइड से हूँ, रितु की तरफ से भी और उधर भी, तो पिंकी का नहीं पता था। तो अभी सभी जो बाराती है वो ऊपर आने लगेंगे, तो मैं कहती दीदी सब बाराती है वो ऊपर आने लगेंगे, जल्दी जल्दी खा के चलो। और बस हम बच्चों को लेकर के आए थे, और मैं भी आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ, मैंने कौन सी वाली साड़ी पहनी थी, क्या है। वैसे तो आपको दिख ही दिख गई होगी, पता ही चल गया है कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है, मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये है जो साड़ी मैंने पहनी है, चूड़िया मेरी परी ले चुकी है, ज्वेलरी पे थी नहीं, और ये थोड़ा सा पल्लू वगैरह इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि पहले मैंने एक खुला वाला पल्लू करवाया था, और फिर विनोद ने बोला कि तुम तैयार नहीं होगे, रेडी नहीं होगे, फेरे होने लग गए, उसने हमें पार्लर से भगा दिया। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको फटाफट एज जैसा भी इसको आप बस पिन लगा दो, तो उन्होंने ऊपर पिन सेट कर दी, और इस तरह से लग रही हूँ मैं, थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ क्योंकि मोटी मैं हो चुकी हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेरा वेट वापस से बढ़ चुका था, तो वैसे ही, लेकिन काफी अच्छा लगा था पहन के, थोड़ा सा टमी वगैरह दिख रहा, थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे बांधती तो अच्छा लगता, बट बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था साड़ी जो ड्रैप करवाई थी, बहुत जल्दी जल्दी में थी, तो बस जैसा भी हुआ आप देख लीजिएगा, आप लोगों को साड़ी में पहनने का वो था, देखने का था, तो मैंने साड़ी में आप लोगों को दिखा दिया है। फिर कभी मैं बहुत ही मतलब अच्छे से बांध करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये हम इधर सोनीपत से ही रेडी हुए थे, तो बताइएगा कि कैसी लगी, कमेंट अगर इनेबल हो जाते हैं तो बताइएगा आप लोगों की कैसी लगी ये साड़ी मेरी। और यहाँ पे है जयमाला का टाइम है, ये पीछे रितु खड़ी है, और ये वीडियो हम लोगों ने बच्चों से ही शूट करवाया था। और यहाँ पे मतलब फेरों की जो तैयारी है वो हो चुकी, जो आप ग्रे कलर में सूट में देख रहे हैं वो है रितु की मम्मी है इधर, और उनके पास में उसकी भाभी और जो बहन है वो खड़ी है, रेड में है जो उसकी भाभी है, और जो इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है पिंक से कलर में, वो उनकी नहीं, ये वाली उनकी सिस्टर नहीं है, सिस्टर तो उनकी आगे गई हुई है, तो उसकी भाभी है। और ये जो नीम झड़ाई वगैरह जो होता है यहाँ पर वो हो रहे हैं, तो नीम झड़ाई और एक आरता, दो चीजें होती हैं, तो वो करती है, और उसके बाद होगा यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं माला जो पहनाते हैं वो, तो स्टेज वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही होता है हमारे जो लोकल शादियां होती है उसमें ऐसे ही होता है। अगर वाटिका वगैरह में होते तो फिर भी कर लेते हैं आजकल, लेकिन बहुत सिंपल सी शादी थी तो वो एज इट इज ही कर लिया, जैसे कि पहले टाइम पे होते थे, जैसे हमारे टाइम पे होती थी वैसे ही।
लहंगा वो कर दे, वो उतार ले उसने अड़ जाए तो मुंडे बड़े अड़ जाओ बड़े ये तब मैं बड़ोगे उसने भी घेरोगे शिल्पा आ जा जा ऊपर से खड़ी है हाँ बंद हो गया वो ले पिंकी ले साइड में आ जा नोट करो नोट कर लेने कुछ इनका करने मामला कर लेंगे ना शीन करो ये जागा अमित ने देखी फिर दीदी वीडियो साइड में ओले साइड में थोड़ा पकड़ के रस्सी ने खींच ले थोड़ा बेटे उसको पकड़ रस्सी को खींच ले ऐसे हाँ ऊपर उठा ले हाथ से वेरी गुड खींच दिया फोटू मान आप आगे अरे तू तेरे 20-22 साल हो गए होंगे नापते नापते भी तेरे कितना नापाएंगे बहू नापाएंगे यही भी तू तो कूद भी जाएगा पर कर बहू क्यों कराओगी परे का है अरे लाइट तो साइज तो छोड़ी आता अरे लाइट जला दे दो का फोन की लाइट होगा है जो जो बोल ला रहे हैं अरे कर दे हां हां देख के ले लेना फिर अमित कमाओगा फिर छोड़ेगा फिर देगा गणे बतेरे एक के लिए हमने ले अच्छा तजमान ना करेंगे सत्याना वो तो मम्मी तो मैंने अलग थोड़ी है ये मान भी कर लो तो यहाँ पे बहू की एंट्री हो चुकी है यानी रितु आ चुकी है अपने ससुराल में और यहाँ पे जो मापने का जो होता रीति रिवाज वो हो चुका है बहनों को शगन मिलता है जब बहनों को शगन मिलता है तभी अंदर आते हैं दूल्हा दुल्हन तो वो हम लोगों को मिल चुका है मुझे और मामा की लड़की को तो हम दोनों 1100 मिले हैं हम हैप्पी हैं तो चलो एंट्री दे दी है अब आप शेयर करते हैं आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो क्योंकि आज इसके बाद जो वीडियो था वो मुझे याद ही नहीं रहा शूट करना तो मुझसे मिस हो गया कोई बात नहीं नेक्स्ट डे की वीडियो मैं शेयर कर लेती हूँ सोलह है वो तो तो उसका तो होगा फिर वो फिर क्या हो गया ये पर क्यों उसका रोया होता है उल्टा है ना तेरा फोटो ना होगा ना तू साइड में बैठे तो दिखा ना अगर मेरा क्या बटानी है वो की जरूरत भी है इधर
अच्छा नो चीटिंग हम खड़े हैं ऐसा नहीं है देखो दूध प्रूव करेगा देखो लो खोल दिया गाल ले हम इतना कह दियो हमने तो बताई थी मां भाई गड़े करड़े मैंने बता दियो नाम सा बंधवाई ये आई सुन दो हम इतना चीटिंग करयो कि देख मैं आके बंधवा रखे तू ऐसे बंधवाई है लाल दोनों लाल मिट्टी और तो मैंने एक ताल आया फिर दोनों खोल दिए मैंने आगे ये एक बार हो गया यार 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 अरे ठीक तो सही तू तो कभी कोरस कर लेगा अनुजी तो उड़ा उड़ा हाथ मारे पूरे में हाथ मारने ऐ अरे ने बोला सी तैयार है देखो अरे क्यों हो गया अरे अरे ये हाथ में पाव भी नहीं दिया अरे तू इसे हाथ मारेगा सीधा एकदम ये पिंकी ने सुना अरे इसे किस चलेगी ए काट ले काट ले काट ले ना तीन दिन भाई ये ना यार ठीक है सही ए रितु वो कित गया देवर कित गया और पीछे खड़ा है अरे क्यों रहे हो खड़ा है खड़ा है खड़ा आ जा हमारे कित गया हमारे रुक हमारे कित से ना बेटा छोटे का तो फेर बार गया जी मां 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 जन को जी मां पिता तो मेरा नहीं सुन रहा है हमारे आ जा ये लोग ना मौका सा जब ना आंदा कि मिलना है क्या मां आ जा आ जा पागल है बैठ जाओ इधर हां बैठा ना रहो उठ के अरे अमन यार रोटी गुण पाओगे गोटे तो टूटे ना पेड़ी का थोड़ा सर प्रेम में मैं रुक रही हूं मैं तो नहीं सही हो पाए ये सोना ना दे दे कौन सा मुझे मान दिए ना भाई यह बात गलत है यह बात गलत है ठीक है हमारे कोई उधार सुधार नहीं होती क्या उनका मपाकड़ा पड़ गया है ले रही होगी तो जाऊ सर बात नूना देखे रहे अमर देर बाद आप कर लेंगे आप कर लेंगे फैसला इतने इतने कम मार दे अमन अमन बैठ एक बार अमन लाडू नहीं देने बेटा दो चार और मारे तो ये सब होने के बाद यानी जो कांगना खेला जाता है अंगूठी ढूंढी जाती है और फिर देवर और मम्मी वो पूरी फैमिली बैठती है वो सब रीति रिवाज होने के बाद यहाँ पे चल रहा है मुंह दिखाई की रस्म तो घर के सारे बड़े हैं वो मुंह दिखाई के देते हैं और ये पैर छूते हैं और मामा को भी ज्यादा ही जल्दी दे और
उसके बाद ये जैसे जो दिए होते हैं ना, जो पूरे 6-7 दिन जो दिए होते हैं उनको सलाया जाता है, यानी उनको पानी में बहाया जाता है, जो गांव में जोहड़ वगैरह जो होते हैं ना वहां पे लेके जाते हैं, और जो लेडीज होती है वो गीत गाती हुई जाती है और फिर गीत गाते हुए आते हैं। जो दुल्हन है वो गाँव का एक जो मंदिर होता है जिसको मोस्टली दे दादा या ऐसा कुछ बोलते हैं, दादा भैया ऐसा कुछ होता है हर गांव में, वहां पे उसकी धोक लगवाई जाती है, यानी उसके पूजा की जाती है, वहां पे गए हुए हैं। और उसके बाद ये रस्म है संदूक खुलाई की, तो जो संदूक होते हैं जो बहू लेके आती है उसको खोला जाता है नंदों के द्वारा, तो नंदों के द्वारा क्या हिंदी है, तो ननद उसको खोलती है, तो एक साइड मामा की लड़की ने खोल दिया और एक साइड मैं खोल दूंगी। इसके बदले में आपको शगन दिया जाता है, तो जो इसके अंदर सूट होते हैं वो कोई भी आप सूट ले सकते हो, तो मम्मी ने रितु को ही बोल दिया था कि तुम दे दो, तो रितु ने अपनी पसंद से ही जो सूट है वो हमें दे दिए थे, ये 2 सूट एक जैसे थे, तो मैंने मामा की लड़की को बोल दिया पहले तुम देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे कलर, तो उसने येलो रख लिया और जो ग्रीन वाला है वो मैंने ले लिया। तो ये भी शगन होते हैं, छोटे छोटे रीति रिवाजें होती है जो बड़े बूढ़े ही बताते हैं क्या होते हैं, पहले से बनी हुई होती है। और ये आप जो देख रहे हैं तो जो संदूक में जितने भी कपड़े होते हैं उनको इस तरह से चारपाई पे लगा दिया जाता है, गांव में तो सब ऐसे ही चलता है, शहरों का मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, कि इतना क्लोज शादी मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, बट हमारे यहाँ तो जाटों में तो यही होता है। तो ये सब जैसे जो कपड़े हैं संदूक में से जो कपड़े निकले हैं वो इस तरह से लगा दिए जाते हैं, और इसमें भी जो नंदे होती है वो अपनी पसंद से 2-4 जितना चाहे उतने सूट ले सकती है। तो मैं जैसे जो बड़े थे हमारे घर में, मम्मी थी, मम्मी ही ने ही डिसाइड किया था, तो उन्होंने बोला था 2-2 सूट आप ले लो, तो मेरी जो मामा की लड़की है उसने अपनी पसंद से 2 सूट ले लिए थे, और मैं क्योंकि रितु को मेरी पसंद ज़्यादा पता है तो मेरे बस की चीज़ें नहीं होती छाड़ना वाड़ना और ये सब, तो मैंने रितु को ही बोल दिया था कि तू अपनी पसंद से दे दे, तो उसने अपनी पसंद से 2 सूट मुझे दे दिए थे। उसके बाद एक ये रिवाज होती है कि जो जेठ होता है यानी जो अमित का बड़ा भाई है वो ये सब टांगेगा, तो ये बंदरवाल होते हैं और फूलझड़ी होते हैं, कुछ ऐसे से ही चीज़ें होती हैं जो घर को सजाने के काम आते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जेठ होता है ना वो ही ये सब करता है और इसके बदले में उनको भी शगन दिया जाता है। तो ये रीति रिवाजें हैं जो पहले से चली आ रही हैं, तो वही सब है। तो यहाँ पे भाई है उसका बड़ा अमित का, जो ये मेरा छोटा भाई है लेकिन अमित से बड़ा है, तो वो वही सब कर रहा है। और अब टाइम हो गया है बहू को विदा करने का, तो जैसे जो भाई होते हैं उनके साथ, भाई के साथ जो बहू होती है वो चली जाती है अपने घर पर, और फिर शाम को दूल्हा है जो लड़का होता है वो उसको लेने जाता है। बट आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो जैसे अब इसके भाई है वो रितु के साथ ही चला जाएगा, और मेरे जो भाई हैं इसको लेने जाएंगे जो शाम को, वो भी अब इकट्ठा ही चले जाएंगे सब, और फिर शाम को इसको लेकर के वापस से आ जाएंगे। तो मामा की लड़की को भी घर जाना था, तो उसका घर रास्ते में पड़ेगा, तो उसको भी छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो गई है सारी रीति रिवाज कंप्लीट इस शादी की। तो चलिए, बहू चली गई है अपने घर पर, रीति रिवाज हो गई है कंप्लीट, ये शादी भी कंप्लीट हो गई। और हाँ, ये शगन करते हैं जब जाते हैं तो गाड़ी के टायर के ऊपर ऐसे पानी डाला जाता है, शुभ माना जाता है। तो चलिए, सारे रीति रिवाजों के साथ खुशी के साथ ये शादी कंप्लीट हो गई, बहू भी अपना फेरा करके वापस आ जाएगी। तो हाँ, इसको बोलते हैं फेरा, तो ये भी वापस आ जाएगी शाम को, और हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। भाई 2 दिन हो गए हैं अब रुके हुए, तो चलो अपने घर चलते हैं हम भी। तो चलिए, जिस शादी का इंतजार था वो शादी भी हो चुकी है, 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो चलिए, विश करते हैं कि इन दोनों की लाइफ हंसी खुशी के साथ बीते और बहुत प्यार से ये लोग रहे, तो आप भी विश कीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो में, अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक वाले को, जो थम्स अप होता है उसको, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि इंजॉय किया होगा, अगर कमेंट इनेबल हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। तो चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।